Morning students, welcome to your online classes. Class 4, this is the video about the subject of Hindi literature and this is your Hindi books cover Avika Hindi Pathyapustak part 4. और क्योंकि ये पार्ट 4 है तो ये क्लास 4 के लिए स्टूडेंट्स हैं आपके पास. उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने बुक्स स्कूल से खरीद ली होंगी और ऐसे घर में पढ़ के एंजॉय कर रहे होंगे. चलिए आप लोगों के साथ अब पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे नया लेसन और ये है लेसन 8 पार्ट 8 एक चमन के फूल. ये एक कविता है और बड़ी खूबसूरत कविता है जिसे आप पढ़ेंगे और बहुत शिक्षाप्रद कविता है जिसको पढ़ के आप शिक्षित होंगे और अच्छी चीज़ सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. हम सब एक गगन के तारे हैं, महासागर की धारे हैं. मन में प्यार का दीप जलाकर प्रेम की ज्योत जलाएं. यहाँ पर बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, आप पिक्चर देख सकते हो. सभी अलग अलग रिलीजन के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है. लेकिन क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर होता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम सब एक गगन के तारे हैं, यानी एक ही दुनिया के हम सब संतानें हैं. और जैसे बहुत सारी महासागरें हैं लेकिन सब हम लोग एक महासागर में, जैसे कई लहरें होती हैं उस तरह से हम उनकी लहरों के समान हैं. हम सबको एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए और प्रेम का भाव जगाए रहना चाहिए. एक ही धुन, एक ही नगमा, हम दम एक ही गाएं, हमें अलग जो करना चाहे यह उसकी भूल. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम सब में इतनी एकता है. चारों बच्चे बोल रहे हैं कि हम सब में इतनी एकता है कि जो भी हमको अलग करना चाहे वो अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक ही तरह से सोच विचार रखते हैं और अपनापन रखते हैं. हम सब एक चमन के फूल, हम सब एक चमन के फूल, यानी हम सब इस देश की, यहाँ पे चमन का मतलब देश से लिया गया है, हम सभी इसी देश की संतानें हैं या एक बगिया के फूल हैं. हिंदू मुस्लिम ईसाई हाथ में लेकर हाथ, एक सफ़र एक डगर पर चलते हैं सब मिलकर साथ. ये बच्चे बता रहे हैं कि हम में से कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है और कोई ईसाई है, लेकिन हम सभी हाथ में हाथ, यानी सब दोनों, हम सब में आपस में बहुत एकता है और हम सब एक ही डगर पर चलते हैं, यानी हम सब एक सोच से एक संग चलते हैं और इसीलिए हम सब साथ साथ रहते हैं. एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही सबका कुल, हम सब एक चमन के फूल, हम सब एक चमन के फूल. इनका कहना है कि प्यार बांटना, प्यार देना, अपनापन देना, यही हमारा रास्ता है और यही हमारी मंजिल है, यानी हमारे जीवन का यही सोच है, यही लक्ष्य है और इस तरह से हम सब एक बगिया के फूल जैसे हैं. गौतम, चिश्ती और नानक ने दिया है जीवन दान. जो हिंदू है वो अपने आप को गौतम को मानने वाला है, जो मुस्लिम है वो चिश्ती को मानते हैं, जो सिख हैं वो नानक को मानते हैं. लेकिन इनका कहना है इन सब ने हमको जीवन दान दिया है, यानी जीवन दिया है और उन्होंने सिखाया है कि प्रेम ही शक्ति, प्रेम ही मुक्ति, प्रेम ही है गान. ये उनका, और इन सभी महान पुरुषों ने हम लोगों को सब एक ही चीज़ सिखाया है कि सभी से प्रेम करो, क्योंकि इस प्रेम से, एकता से रहने में ही शक्ति है और इस प्रेम में ही मुक्ति है और हम सबको एक दूसरे के संग प्रेम का गान गाना चाहिए. प्रेम ही ईश्वर, प्रेम ही अल्लाह, प्रेम ही सबका मूल. हम सबका मूल, यानी हम सबके जीवन का एक ही मूल होना चाहिए कि हम सभी से प्रेम करें आपस में और हमें ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था रखना चाहिए, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो अल्लाह हो. हम सब एक चमन के फूल, हम सब एक चमन के फूल. और इस तरह से हम सब इस देश की संतानें हैं. धर्म भले ही अलग अलग हो लेकिन हम सब में प्रेम है, हमें एकता है और हम सब इस देश के संतान हैं. इसका कविता का को पढ़ करके आपके अंदर एक शिक्षा होनी चाहिए कि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, हमें प्यार से दूसरों के साथ रहना चाहिए और सुख दुख में साथ निभाना चाहिए. तो ये है आपकी पोएम और ये इसकी मीनिंग है. इसको 2-3 बार सुनिए और अच्छे से समझ में आएगी और इस पोएम के कम से कम 8 लाइन्स को ज़रूर लर्न कर लीजिए. अपनी कॉपी में लेसन का नाम डाल करके, पार्ट 8 एक चमन के फूल इस हेडिंग को डाल करके आपको इस पूरी पोएम को लिखना है. लर्न करने के लिए आपको 8 लाइन्स कम से कम याद हो जानी चाहिए. तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. इसके आगे की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के लिए अगली वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.